फ्लावर्स कहते हैं और एंजोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं द सीड्स आर एनक्लोज इन साइड फ्रूट तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जैसे कि एप्पल है तो एप्पल का बाहर से मस्कुलेटर है और अंदर सीड्स है तो एप्पल प्लांट क्या है एक एंजोस्पर्म है द एंजोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप देखो एंजोस्पर्म्स क्या है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाइट्स तो सबसे ज्यादा प्लांट्स में सबसे ज्यादा डाइवर्स हैबिटेट में मतलब हर कहीं पर जो पान, आ, पाने वाला प्लांट है दो इनका वाइड रेंज हैबिटेट है ये मतलब ये लगभग सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा भी है लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स तो सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट कौन है एंजियोस्पर्म्स तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है दे राइज They rise. They range in size from the smallest वल्फिया तो इनका साइज रेंज कहाँ से शुरू होता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है एन जो और सबसे लार्जेस्ट कौन है इक्लिप्टस तो so, कितना है 100 मीटर। तो दैट मीन्स इसका ये 100 मीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो so, एकप्टस में याद रखा कि उसकी उसका साइज कितना होता है हंड्रेड मीटर्स दे प्रोवाइड आस फूड फोडर फ्यूल मेडिसिन सेवरल अदर कमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या बन सकता है यहाँ पर बन सकता है एसर्शन क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं हमें विद द फूड फूडर फ्यूअल मेडिसन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स तो ऐसे एसर्शन आ सकता है कि एनजीओ ऐसे एसर्शन uh, uh, आ सकता है कि एन अनलाइक द स्पर्म्स अनलाइक द एन जी आर हैविंग अम्म um, seeds protected inside the specialized structures known as flowers ठीक या ऐसे आ सकता है कि angiosperms are known as flowering plants फिर आ सकता है कि angiosperms uh, reason आ सकता है कि angiosperms provide us with the food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products तो इस तरीके से मतलब बनाए जा सकते हैं तो ये हमें फूड देते हैं angiosperms fodder देते हैं medicines देते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हम बेचते हैं वो भी हमें हासिल होते हैं कहाँ से एंजुस्पम से तो देर टू क्लास कितने क्लास में डिवाइड हो गए दो में एक तो होते हैं डाइकॉटली डांस और दूसरे होते हैं मानोकॉटली डांस अब डायकॉटली डांस कौन से हो गए फिगर में दिया गया है ये जो छोटा गमले में है दिस इज अ डायकॉटली और ये जो दूसरा है दिस इज अ मोनोकॉटली ठीक अब हम देखेंगे पहले डाइकॉट क्या होता है

हम आइडेंटिफाई करते हैं एक फ्लावर के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल डायग्राम्स हम या फ्लोरल वर्ल्स जो हम कहते हैं कि हर देखो एक फ्लावर में चार वर्ल्स मतलब होती है बाहर की वर्ल बाहर की वर्ल कौन सी होती है मान मतलब लो दिस ए वर्ल इज सेपल ठीक है उसके बाद द नेक्स्ट वर्ल इज पैटल ठीक फिर द थर्ड वर्ल इज स्टामिन एंड द फोर्थ वर्ल इज कार्पल तो चार वर्ल्स होते हैं कार्पल्स मोस्ट इनर मोस्ट वर्ल इज कार्पल मेल पार्ट स्टामिनस उसके बाद उसके बाद कौन पैटल्स और उसके बाद सेप्लस तो दीज आर द फोर वर्ल्स तो चार वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर में तो लिख रहा है कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं या तो इन फ्लावर में क्या होगा टेट्रामेरस कंडीशन ठीक है चार पैटल ऐसे ठीक टेट्रामेरस कंडीशन या तो पेंटामेरस पांच पेटल्स हो सकते हैं हैविंग फोर फाइव मेंबर इन ईच फ्लोरल तो इनको हम फ्लोरल ऑफ वर्ल्स कहते हैं ए मान लो चार फ्लोरल ऑफ वर्ल्स में बनाऊंगा ए बी सी और डी सी और डी चार वर्ल्स मैंने बना दी ए वर्ल्ड में कौन से होते हैं बी में कौन होते हैं पेटल डी वर्ल्ड में कौन होते हैं स्टामिनस सी वर्ल्ड में कौन होते हैं और डी इनर मोस्ट वर्ल्ड में कौन होते हैं वहां पर कारपेल्स होते हैं

डाइकॉटिस में चार या पांच मेंबर्स ठीक द मेल सेक्स ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको हम स्टामिन कहते हैं और हर किसी स्टामिन का क्या होता है हर कोई स्टामिन बना होता है किसका हर कोई स्टामिन बना होता है ऐसे तो मान लो ये है क्या ये है एंथर हर स्टामिन बना होता है एंथर और फ्लामेंट का एंथर और फ्लामेंट ठीक है

तो मे, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं या पोलन ग्रेन मदर सेल उसको क्या डिवीजन होता है uh, पोलन uh, वो होती है और उसको हो जाता है और, वो स्पोर्स करते हैं। और यही स्पोर्स क्या हो जाते हैं पोलन ग्रेन में ठीक है द फीमेल इज पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर में पिस्टल होता है और पिस्टल तो पिस्टल में क्या होता है पिस्टल में होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टल और पिस्टल में क्या है ovary. तो ovary ठीक है ये ओवरी क्या होती है ओवरी होती, होती है ये एट इट इज बेस तो बेस पर कौन है ओवरी है ओवरी के अंदर क्या होते हैं

तो चार पहले <coughs> क्या बनाएंगे टू फॉर्म फोर बनेंगे ठीक है ठीक तो, मेगा तो, मेगा मेगा सेल्स, तो यहां से कितने बनेंगे? चार सेकंड होता है और बन गए कितने बन गए चार स्पोर्स। तो स्पोर्स बन जाते हैं चार स्पोर्स बन जाते हैं एक मेगा स्पोर मदर से ठीक है

तो इसको हम कहेंगे दिस इज फंक्शनल और ये क्या बनाएगा ये बनाएगा एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो बनता है खाली एक से ठीक एम्ब्रियो सैक हैज थ्री सेल्स जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसमें तीन सेल्स होती है एक तो होता है एग एपरेटस ठीक है वन एग सेल एग एपरेटस में क्या होता है वन एग सेल होती है उसमें और दो सिनर्जड्स होते हैं ठीक एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स एंड टू पोलर न्यूक्लाइडेको यहाँ पर जब ये मेगास्पोर <coughs> मेगास्पोर जो है यही मेगास्पोर क्या बनाई गई है एम्ब्रियो तो उसके अंदर देखो क्या हो जाता है ऐसा स्ट्रक्चर हो बन जाता है जिसको हम एपरेट्स कहते हैं यहाँ पर तीन सेल्स होती हैं जिसको हम एपरेट्स कहते हैं तो इन तीनों में से क्या होती है दो क्या होती है इनकी वॉल्स थोड़ी सी थिक होती है सिनरज की वॉल्स क्या होती है थिक, थिक वॉल्स वॉल्स इनकी थिक होती है ठीक तो वॉल्स और इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है और यहाँ पर है ये दिस इज सेल, ठीक है ये सेल है और यहां पर होते हैं बीच में कौन पोलर न्यूक्लाइस ये येड पोलर न्यूक्लाइस इनको हम पोलर न्यूक्लाइ कहते हैं, होते हैं ये ठीक और यहां पर होते हैं एंटीपोडल सेल्स ठीक है ये हो गई एंटीपोडल सेल्स तो पोलर निकले क्या होते हैं हेप्लॉइड होते हैं लेकिन सेलवाल किन में बनी होती है इनमें सिनर्जिड्स में सेलवाल होती है तो यहाँ पे यहाँ पर, पर सेलवाल होती है तो बेसिकली एक एम्ब्रियो में कितने सेल्स होते हैं सिक्स सेल्स और ये दो क्या होते हैं पोलर न्यूक्लिय ये खाली न्यूक्लिय होते हैं हेप्लॉइड न्यूक्लिय उसके बाद क्या लिख रहा है द तो पोलर द पोलर न्यूक्लाई इवेंड टू प्रोड्यूसॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस तो जो पोलर न्यूक् न्यूलई को क्या हो जाता है इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर देखो पोलर न्यूक्लाइज क्या हो जाएंगे फ्यूज हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल जब पोल ग्रेन आएगा उससे मेल ग्राइक्रोस्ट मेगमेट आएगा और एक मेल ग्रेन किन के साथ मिलेगा इन पोलर न्यूक्लईस के साथ मिलेगा और वहाँ पर हो जाएंगे तीन पोलर न्यूक्लाइस मतलब वहां पर गिमेट

तो बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है यहाँ पर ट्रिप्लाइड बनता है ठीक है? और जो पोलन ग्रेन होता है आफ्टर डिस्पर्सल जब वो डिस्पर्स हो जाता है ठीक है बाय द विंड मतलब वो एंथर्स से निकल जाता है आर uh, कैरीड उसको कौन कैरी करता है तो यहाँ पर

<clears throat> तो जब यहां तक ले जाते हैं दिस इज टर्मोडाइज पॉलिनेशन तो इस चीज को हम क्या कहते हैं पोलिनेशन तो सिंपली हो गया कि ट्रांसफर्स डिस्पर्स हो जाना पोलन ग्रेन कहाँ से फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल ठीक है थ्रू विंड थ्रू एनी एजेंसी दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन द प्लांट फिर उसके बाद क्या लिखा है द द पोलन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग द पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड द रीड्यूल उसके बाद क्या होता है द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा तो पोलन पोलंग्रेन्स कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉर्ट है पोलन पोलंग्रेन कहाँ पर जर्मिनेट होते, है? होते हैं पोलन पोलग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पर ठीक है और उसके बाद जब ये पोलन पोलग्रेन जर्मिनेट हो गए स्टिग्मा पर तो वहाँ क्या बनता है द रिजल्टिंग पोलन ट्यूबस ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा और यहाँ पर ये पोलन ट्यूबस बन जाते हैं तो पोलन पोलंग्रेन जर्मिनेट हो गए पोलन ट्यूब बन गया और वो किसके थ्रू चला गया थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा वो स्टिग्मा के थ्रू चला गया एंड स्टाइल के थ्रू और कहाँ पहुंच गया वो वो पहुंच गए ओव्यूल तक द पोलन ट्यूबस एंटर द एम्ब्रियो टैक जो ये पोलन ट्यूबस होते हैं ये कहाँ एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं वाई आर द टू मेल गिमेट्स आर डिस्चार्ज तो देखो यहाँ पर स्टिग्मा एंथर आ गया ठीक स्टाइला स्टाइलस और ये पोलन ट्यूब बन जाएगा यहाँ तक और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एग एपरेट्स है, है। यहाँ पर नीचे एग है तो वो क्या हो जाएगा वो बेसिकली

इनमें से क्या हो जाएगा वन ऑफ़ तो द गिमेट फ्यूज विद था एग सेल तो एग सेल जो एग एपरेट्स की एग सेल होती है उसके साथ फ्यूज हो जाती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सिनगैमी कहते हैं और क्या बन जाता है जयगोड बन जाता है तो जो एक आएगा मतलब ये है एग एपरेट्स और ये है एग सेल तो एक गिमेट आएगा और किसके साथ मिलेगा एग सेल के साथ गिमेट आ गया तो किसके साथ मिल गया

दो फ्यूज हो गए जिससे एंड ट्रिपल फ्यूजन जिससे पेन बन गए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाईजेशन तो इस इवेंट को हम क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये इवेंट किन में यूनिक है दिस इवेंट इज यूनिक टू एनजोस्पर्म्स तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिक टू एंट डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू ठीक है Assertion. और फिर आएगा पेन इज इन द डबल फर्टिलाइजेशन पेन इज फार्म फ्राम पैन इज द ट्रिपल फ्यूजन एंड जायगोट इज फाउंड फ्रॉम द दिनगैमी ठीक है द जायगोट डेवलप्स इन एम्ब्रियो और जायगोट किस में डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विद वन आर टू कॉटली तो उसमें फिर क्या बनेगी या एक कार्डली या दो कार्डली द पेन द डेवलप इन इनटू एंडोस्पर्म पेन क्या बनाता है एंडोस्पर्म ठीक है विच प्रोवाइड्स एंडोस्पर्म का काम क्या होता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो एंडोस्पर्म का यही काम होता है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन फ्राहम करे द दिनर्ज्स एंड एंटीपोडल सेल्स जो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो होती हैं जो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्ज होती हैं

स्टाइल क्या अंदर है ओव्यूल ठीक है तो ये लिखा है मेगा स्पोरजियम ये ओव्यूल है ठीक तो मेगा स्पोर मदर से देखो एंथर से यहाँ यहाँ तो फ्लावर है ये स्पोरोफाइटिक बॉडी है और स्पोरोफाइटिक बॉडी में ही क्या बन गए फ्लावर्स ठीक है ये मेडोफाइट तो बन गए क्या फ्लावर बन गए फ्लावर में क्या होते हैं एंथर एंथर और फ्लामेंट ठीक एंथोर किस में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है अब माइक्रोस्पोरेंजम जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे ठीक जब माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे तो दीज आर फोर माइक्रोस्पोर्स और ये क्या हो जाएंगे ये माइक्रो गेमेटोफाइटिक जनरेशन है ये तो यहाँ पर गेमेटिस बन रहे हैं तो हेप्लॉयड होते हैं ये तो माइक्रोस्पोरेंजम डिप्लॉयड और उसके बाद क्या हो रहा है मियोसिस हो रहा है ठीक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो ये हैप्लॉयड है दीज आर हैप्लॉयड यहाँ पर मैं लिखूँगा माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है डिप्लॉइड होती है हैप्लॉयड हो जाना उसके बाद माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स ठीक है माइक्रोस्पोर तो पोलन ग्रेन बन जाएगा बन गया पोलन ग्रेन उसके बाद क्या हो जाता है उसके बाद पोलन ग्रेन क्या हो जाता है ये मेल गेमेटोफाइट बनाता है तो मेल गेमेटोफाइट बन गया और मेल गेमेटोफाइट्स क्या करेगा ये रिलीज करेगा गेमेट्स ठीक है जब ये गेमेट्स रिलीज करेगा तो पोलन ट्यूब बन जाएगा स्टिक ही जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा एग ये जो एग एपराइट है ठीक है पोलर न्यूकुलस ये हो गए और एंटीपोल सेल्स ये एम्ब्रियो सैक है तो ओवरी ओव्यूल एम्ब्रियो सैक ठीक फर्टिलाइजेशन हो गई और यहाँ पर क्या बन जाएगा सिनगैमी से क्या बन जाएगा सिनगैमी से जयकोड बनेगा और जयकोड से क्या बन जाएगा एम्ब्रियो और जो बाकी बचा कौन जो ट्रिप्लॉयड फ्यूजन होता है उससे कौन बन जाएगा पैन पेर एंडोसपरम न्यूक्लस और वो न्यूट्रिशन करेगा प्रोवाइड एम्प्रियो को और एम्प्रियो से क्या बन जाता है स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड डिप्लॉयड और इसके बाद हेप्लॉयड तो यह है स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉयड होती है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन क्या है हैप्लॉयड ठीक ये हैप्लॉयड ये डिप्लॉइड थे और उसके बाद क्या बन जाते हैं येप्लॉयड बन जाते हैं